जन नेता के रूप में विख्यात स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद की 28वीं पुण्यतिथि गुरुवार को नवादा व्यवहार न्यायालय के निकट उनकी आदमकद प्रतिमा पर सार्वजनिक माल्यार्पण करके मनाई गई। इस अवसर पर जिलावासियों के साथ साथ कई राजनेताओं ने भी उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। माल्यार्पण के बाद श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उनसे जुड़े कई संस्मरणों को जिक्र किया गया। कृष्ण बाबू अमर रहे के गगन भेदी नारों से पूरा शहर गूंज उठा। इस अवसर पर स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद की धर्मपत्नी और पूर्व पार्षद प्रमिला देवी, भाई विनोद यादव, ज्येष्ठ पुत्र अशोक यादव, भतीजा एकलव्य यादव समेत परिवार के सभी सदस्य शामिल हुए और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मौके पर रजौली विधायक प्रकाश बीर, राजद जिलाध्यक्ष महेंद्र यादव, अनिल प्रसाद सिंह, संजय मारुति, तौकीर सहनसा, प्रिंस तमन्ना, शशिभूषण शर्मा, वाल्मीकि यादव, मथुरा यादव, विजेंद्र कुशवाहा, शंभु विश्वकर्मा आदि उपस्थित थे। वक्ताओं ने स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद के जीवन संघर्ष एवं राजनीतिक जीवन की सफलता पर संवेदनशील विचार प्रस्तुत किए। वक्ताओं ने ये भी कहा कि उनका परिवार आज भी उनके अरमानों का ध्वज उठाए हुए है और जिले को कुशल नेतृत्व देने के लिए सक्रिय है। इस अवसर पर पूजा पाठ और हवन का आयोजन भी किया गया तथा दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी गई। नवादा से सरोज कुमार संगम की रिपोर्ट। जन जन के नेता कन्हैया कृष्णा प्रसाद जी का आज 28वां पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनके प्रति आज हम लोगों की आस्था और विश्वास का यह द्योतक है जो लोग उपस्थित हुए हैं। मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।